भारत में कई शो आए और कई शो गए, पर सीआईडी जैसा कमाल कोई भी शो नहीं कर पाया। ये तो आप भी जानते ही होंगे कि सीआईडी शो कितना पॉपुलर था, जिसे एक बार जो देखने लग जाता था वो उस शो को पूरा देखने के लिए मजबूर हो जाता था। सीआईडी शो ने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने का भी रिकॉर्ड बनाया, और बिना किसी कट के 111 मिनट का एक एपिसोड बनाकर सीआईडी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हम उस एपिसोड के बारे में पहले वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। मैं आपको उस वीडियो का लिंक वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह शो इतना पॉपुलर था तो बंद क्यों आखिर क्यों हुआ, तो आइए जानते हैं। इस शो में सीनियर इंस्पेक्टर दया की भूमिका निभाने वाले दयानंद शेट्टी ने बीबीसी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर सीआईडी को बंद क्यों करना पड़ा। इंस्पेक्टर दया की भूमिका निभाने वाले दयानंद शेट्टी ने पूरी कहानी बताई। दयानंद शेट्टी ने बताया कि सोनी चैनल इस शो को बंद करने के लिए 2 साल से लगा हुआ था, लेकिन सोनी चैनल नहीं चाहता था कि सीआईडी को बंद करने में चैनल का नाम खराब हो जाए। इसलिए सोनी चाहता था कि सीआईडी शो को प्रोड्यूसर सर खुद बंद करे। उन्होंने कहा, हमारा शो शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रसारित होता था। धीरे धीरे सोनी ने शुक्रवार को प्रसारित करना बंद कर दिया, फिर कभी शनिवार को बंद कर देते तो कभी रविवार को। यह सिलसिला चलता रहा। सोनी चैनल ऐसा करने के पीछे कारण देते थे कि इस शो की टीआरपी नहीं आ रही है, इस कारण हम इसका प्रसारण कम कर रहे हैं। जबकि दयानंद शेट्टी के मुताबिक शो का हाल सोनी के और शो के मुकाबले ठीक था, टीआरपी के मामले में बाकी शो से काफ़ी सही प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन चैनल ने सोच लिया था कि शो अब बूढ़ा हो चला है तो इसे बंद करना ही चाहिए। हमारी सीआईडी टीम के पास सीआईडी के प्रोड्यूसर बीपी सिंह का फोन आया कि शो को बंद करना पड़ेगा। हम सभी को अपने फैंस के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, साथ ही हम अपने किरदार को भी काफ़ी मिस करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि सीआईडी रिटर्न की कोई उम्मीद है, तो उन्होंने कहा कि मुश्किल है, अब सीआईडी अगर आएगा तो लौट कर तो सोनी पर नहीं आएगा, हो सकता है किसी और नाम से, अलग अंदाज से, एक वेब सीरीज के तर्ज पर आ सकता है, लेकिन फिलहाल कुछ पक्के तौर पर नहीं कह सकते। उन्होंने बताया कि शो के क्रिएटिव टीम और प्रोड्यूसर के बीच बात चल रही है। बीबीसी के इंटरव्यू में दयानंद शेट्टी ने बताया कि इस शो को बंद करना चाहिए था। यदि सीआईडी दोबारा शुरू होने की कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपको सीआईडी शो कैसा लगता था कमेंट में जरूर बताएं। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप सीआईडी के 111 मिनट वाले एपिसोड की जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो।